वेलकम गाइस, एसके ब्लॉग ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। तो देख सकते हैं गाइस, आज हम आए कस्टमर के यहाँ पर और ये जैन वोल्ट का आपको देखने के लिए हम मिल जाते हैं गीजर। तो देखिए यहाँ पर आज हम इसकी सर्विस करेंगे और इसमें दिक्कत आ रही थी, मतलब कि पानी स्लो की बता रहे थे इसके अंदर। तो होता क्या है, देखिए इसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर गीजर आपको पूरा दिख रहा होगा। तो हर देखिए प्रेशर देखिए इसका, पहले आप वैसे रियल प्रेशर देखिए, हाँ ये वाला है। तो इसमें देखिए होता क्या, मतलब हर साल इसकी साल में एक बार करनी पड़ती है इसकी सर्विस, क्योंकि अंदर इसकी जो रोड वगैरह होती है जो गर्म करती है वो फट जाती है। तो ये फट भी जाता है बहुत गंदे तरीके से, मतलब कि तो हम रिक्स नहीं लेंगे इसका। तो आज इसकी सर्विस करेंगे और आपको पूरा दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से इसका प्लग हटा लेंगे। ये इसका प्लग हटाने के बाद इसका ये वाला हम करेंगे इनका बंद, जहाँ से पानी इसके अंदर जाता है और जहाँ से पानी ये छोड़ता है यानी कि आउट वाला, इसको हम ऑन रखेंगे। इसको हमने बंद कर रखा है, इसको ये वाला हमारा ऑन है। तो अब इसको हम करते हैं, यहाँ से हटा लेते हैं इसका प्लग और आगे कम प्रोसेस करते हैं। और पूरी वीडियो बने रहेगा, इस पूरी देखेगा, आप भी बहुत आसानी से कर सकते हैं इसको। देखें यहाँ पर प्लास ले लिया है और प्लास की मदद से इसका जो ऊपर का नट होता है, यहाँ पर बोल्ट लगा हुआ होता है एक तरह का। देखिए ये रहा, मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए ये रहा, यहाँ पर आपकी खोल लेते हैं। तो नीचे हमने लगा लिया बाल्टी ताकि हम भीगे ना और पानी वगैरह इसमें से निकलेगा। तो इसको हम खाली करेंगे। खाली करना इसलिए जरूरी है क्योंकि रोड हमें निगाड़नी पड़ सकती है, तो रोड निगाड़ेंगे तो पानी तो आएगा, सीधी सी बात है। तो वो इसलिए हम इसको निगाड़ेंगे। देखिए पानी देखिए आप, होता क्या है गाइस, आपने कभी देखा होगा पानी गर्म है भाई, पानी काफी गर्म है गाइस क्योंकि इसके अंदर इकट्ठा हो रहा है पानी। तो इसको अभी हम खाली कर रहे हैं। तो देखिए होता क्या है गाइस, इसके अंदर आपने देखा हो कभी, अगर आप किसी बर्तन के अंदर पानी गर्म करते हैं या इलेक्ट्रिक रोड से आप पानी गर्म करते हो, यहाँ पे प्रेशर बिल्कुल सही है। आगे से प्रेशर देखिए कितना अच्छा जा रहा है, ये देखिए कितना तगड़ा प्रेशर है, प्रेशर काफी तेज है, यानी कि इसमें अंदर एक दिक्कत है। अब आपने जैसे मैं बता रहा हूँ, आपने देखा होगा व्हाइट व्हाइट सा दम जाता है जब आप किसी बर्तन में रोड से पानी गर्म करते हो, व्हाइट आ जाता है। तो सेम इसके अंदर भी ऐसे प्रोसेस होता है, वो अंदर जम जाता है। खाली करने में समय लगेगा, उसके बाद अभी हम आपको दिखाते हैं, उसके बाद आप इसको हम खाली करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं खाली करके। तो गाइस यहाँ पर अभी हमारा जो पानी बिल्कुल खत्म हो चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो अभी इसको करेंगे हम ओपन, तो यहाँ पर हम मशीन ले लेंगे। ओपन करने के लिए सिंपली यहाँ पे एक पेच लगे हुए हैं तीन, तो इन्हें खोल लेंगे। किसी किसी में ये ऐसे प्लेट होता है, यहाँ पे आउटलेट पाइप है, ये देख सकते हो, यानी कि जो गर्म पानी जाता है, यहाँ पे इनलेट है जहाँ से यानी कि ठंडा पानी आता है। ये हीटिंग का है, जिस समय पे हीटिंग करता करता काम कर रहा है ये, कट ऑफ यानी कि इसने 75 डिग्री सेल्सियस पे पानी का टेम्परेचर पहुंचा दिया। इसके अंदर थर्मोस्टेट वगैरह होता है, अभी दिखाएंगे अभी खोल के। और ये जो पाइप होता है ना, ये एयर के लिए होता है, मतलब एयर कैसी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। इसके अंदर एक ग्लास होता है, मतलब जैसे कहा ना कि ये आपकी बाल्टी है, ये आपने इसके अंदर इमिशन रोड डाल दी, रोल डाल दी, एक समय ऐसा आएगा वो पानी इतना गर्म हो जाएगा उसमें भाप उठने लगेगी। तो भाप कहाँ को निकलेगी, तो वो ये भाप निकलने के लिए यही सिस्टम दिया गया है। बिल्कुल सेम ऐसी है। तो गाइस इसमें मतलब कि एयर के लिए दिया जाता है ताकि अंदर जो गैस होती है, अगर ये पाइप नहीं लगाएंगे तो इसके अंदर क्या होगा, जो गैस वगैरह बनती है वो अंदर बाहर से नहीं निकलेगी, अंदर से बाहर नहीं निकलेगी, जिसकी वजह से फट भी सकता है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। जिसलिए ये लगाया जाता है यहाँ पर पाइप, आप दे सकते हैं। काफ़ी अच्छी इसमें फैसिलिटी भी दी हुई है गाइस, बहुत अच्छा ये यहाँ पर है। देखिए हैंग भी इसका जो हैगा, यहाँ पर हैंगर बोल दे इसको, पीछे स्टैंड वगैरह काफी अच्छा दिया गया है इसमें, ऐसे बात नहीं है। तो आज हम इसकी पूरी फुल सर्विस करेंगे और आप पूरी वीडियो में बने रहेगा। प्लीज जो भी चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। ये इस चीज के लिए होता है, ठीक है ना, क्योंकि अगर ये ब्लॉक कर दिया जाए ना वहां से बंद कर, तो ये फटने का चांसेस रहता है, या पाइप फट सकता है। पाइप फटेगा कहां से, क्योंकि ऊपर का सिस्टम सारा रहता है, तो ये ऊपर से निकल जाएगा, तो इसलिए ये वाला पाइप के बाद मतलब प्रॉब्लम हम बेसिक इसकी सर्विस कर रहे हैं, लेकिन आपको सारी चीज बता करके चलेंगे जिससे भविष्य में प्रॉब्लम ना हो। तो इसे यहाँ पे पेचों को खोल लेते हैं। अब सोच रहे होंगे कि ये नीचे कैसे आएगी, यहाँ से तो ये बंद हो जाएगा, तो ये रबड़ जो है ना खुल जाती है। मैं अभी आपको दिखा देना चाहता हूँ, ये रबड़ हमारी खुल जाती है, ये देखिए ये रबड़ होती है, इसके अंदर इसे आप रबड़ को आसानी से निकाल सकते हो। अब ये जो इतनी जगह है इसके यहाँ पे फिर के ये बॉक्स हमारा यानी कि खाली होकर नीचे आ जाएगा। तो ये रबड़ हम कर लेते हैं एक तरफ, तो ये देख सकते हो तीनों पेज निकाल लेंगे यहाँ से, ये देखिए। एक चीज हमेशा याद रखें दोस्तों, जब भी आप किसी के यहाँ पे गीजर इंस्टॉलेशन कर रहे हैं या गीजर लगा रहे हैं कुछ भी, तो वहाँ पे प्रॉपर अर्थिंग हो तभी ये काम कर पाएगा सही तरीके से। अभी हमें ये पाइप भी खोलने होंगे क्योंकि ये देखिए दोस्तों यहाँ पे अट रहे हैं इसके अंदर, ये देखिए चलो हो जाएगा काम। देखिए अब ये आपको खींचना नहीं है क्योंकि यहाँ पे दोस्तों ये जो बल्ब है ये यहाँ से इस तरह से पिन आउट निकल लेनी है आपको, इस तरह से यहाँ से ये हमारा देखिए खुल के रेडी हो चुका है।
तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारा खुल गया है बड़े आराम से। ठीक है, ये देखिए यहाँ तक आ गया। इसके बाद प्लग को थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे जिससे कि भीग ना पाए, कहीं पर ऐसा कर लेंगे जिससे कि भीग ना पाए। ये देखिए यहाँ ले आए। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिए, इसके पार्ट के बारे में समझ लीजिए। ये जो इसमें दो लगे हुए हैं, ये दोनों ही हमारे थर्मोस्टेट है। थर्मोस्टेट क्या होता है, जैसे आपका ये टेम्परेचर आपने सेट कर दिया कि भाई हमारा ये इतना गर्म होने के बाद ये इतना बंद होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे चिट लगी हुई है, देखिए ये देख सकते हैं 75 डिग्री सेल्सियस पे ये सेट है, और यहाँ पे 5 डिग्री से 75 डिग्री तक का है। यहाँ पे प्लस करोगे इधर घुमाओगे, ये यहाँ पे पेच कर देने का होता है। तो यहाँ पे आप 55-56 पे करके छोड़ दीजिए, और देखिए दूसरे का एक का 65 है, एक का हमारा यहाँ पे 75 है। तो यहाँ पे डबल थर्मोस्टेट दिए गए हैं, जैसे जैसे मतलब ये गर्म होगा इसका 75 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे तापमान आया आउटलेट वाले का, यानी कि यहाँ देखिए एक ठंडे की तरफ यह दिया गया था सेंसर, एक ये गर्म की तरफ, ये थर्मोस्टेट सेंसर होता है। अब ये 75 डिग्री आउटलेट पानी का जो टेम्परेचर हो, तुरंत ये कट करके हमारे यहाँ पे कट की लाइट जल जाएगी और हमारा ये रोड बंद हो जाएगी। अब यहाँ पे जो ये इनपुट वाली लाइन है, अगर यहाँ पे 55 डिग्री सेल्सियस पानी इसके अंदर आ जाता है यहाँ पे इनपुट वाली लाइन में, तो ये ऑटोमेटिक ही वर्क करना बंद हो जाएगा, यानी कि इसकी मिशन रोड जो होती है, इसके अंदर जो रोड होती है ये काम करना बंद कर देगी। तो ये इसका प्रोसेस होता है। ठीक है, अब चलिए जैसे खोलते हैं, देखते हैं कैसे कैसे करना है। तो फिनिशिंग भी आप दे सकते हैं गाइस, बहुत ही अच्छी इसके अंदर फिनिशिंग है। तो आप इसे आराम से खोल सकते हैं, यहाँ पे देखिए ये हमारी रोड लगी होती है। तो इसे हम यहाँ से इसके पेज खोल लेते हैं। इसके लिए एक चाबी भी आती है हल्की सी, लेकिन मैं प्लास का यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि प्लास इजी तरीके से हर जगह चल जाता है और ये मिल भी जाता है। ये देखिए, तो एक चीज बता देते हैं, तो अगर आप बिल्कुल न्यू टेक्नीशियन हो तो आपको सिर्फ एक काम करना है, अपने फोन में फोटो भी खींच के रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है कनेक्शन की। वरना कनेक्शन बहुत सिंपल है, हम आपको समझा देंगे, कनेक्शन भी बहुत सिंपल है, तो आपको फोटो भी खींच के रख सकते हो बहुत सिंपल तरीके से, कोई दिक्कत नहीं आएगी कभी भी अगर आप पहली बार इस चीज को रिपेयर कर रहे हैं। बहुत ईजी है वैसे ये करना, लेकिन जो फिर भी कोई बंदा दिक्कत में आए तो फोटो खींच के रख सकते हो कनेक्शन। हम यहाँ पे इसके ये पेज जो है खोल लेते हैं, तो दोनों पेज हमने यहाँ पे खोल लेने हैं। न्यूट्रल इसमें डायरेक्ट रहता है, फेज हमारा थर्मोस्टेट से होकर आता है, और जो इसमें अर्थिंग होती है वो बॉडी से होती है, क्योंकि इसमें अर्थिंग बहुत जरूरी है, बिना अर्थिंग के ये बेकार है चीज। बेकार मैं कहूंगा नहीं, लेकिन ऐसा है कि सेफ्टी के लिए ठीक नहीं है, सेफ्टी बहुत जरूरी है इन चीजों में। अगर आप सेफ्टी चाहते तो प्लीज अर्थिंग जरूर कर ले, अर्थिंग का ज्यादा खर्चा नहीं आता है, क्योंकि दोस्तों जान से प्यारी अर्थिंग नहीं है। ठीक है, याद रखो ये चीज, अर्थिंग जरूर करा ले गाइस, आप ध्यान रहे। और बिजली का आप अगर ऐसा काम करें तो प्लीज सावधानी से करें, अपने रिक्स पर लेकर करें, कोई ना कोई साथ में आपके जरूर इलेक्ट्रिशियन, तभी आप इलेक्ट्रॉनिक के हाथ लगाए, क्योंकि दोस्तों हमारा काम है ज्ञान देने का, आपका ये नहीं है कि आपने ये देखा और सीधा करने लग गए। पर जिस तरह से हम कर रहे हैं अगर उस तरह से कर देते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, लेकिन फिर भी आप अपने रिस्क पे करें, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होती है अगर आपको कोई इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। लेकिन हम पहले ही इस चीज़ को बचा के चलते हैं कि सेफ्टी फीचर ऐसे है। फिर भी अगर आप दोस्तों ये चीज़ लगाना भूल गए ना प्लग, तो उसमें हमारी गारंटी नहीं है, सिर्फ हमारा मेन मोटिव है हमारा सिखाने का। अब ये नहीं है कि आप उसमें गलत काम करो, जो आपको बताया गया वो चीज़ ना करके चलो, आप कुछ उल्टा सीधा करो तो उसमें हमारा कोई मैटर नहीं रहता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है, सेफ्टी पहले है, सेफ्टी फर्स्ट। तो अभी देख सकते हैं यहाँ पर तार वगैरह जो हमने रिलीज कर दिए यहाँ पर, और अभी देखते हैं यहाँ पर आगे देखिए। ये होती है हमारी रोड, इसके अंदर रबड़ वगैरह लगी होती है। तो अब हमें तीनों पेचों को यहाँ पे खोल लेना होगा। तीनों पेचों खोलने के लिए प्लास से खोल सकते हैं, इसका एक हमारी 6-7 नंबर की गोटी भी आती है, उससे भी खोल सकते हैं आप। ये देखिए बड़े इजी तरीके से खुल जाएगा ये। इसके ऊपर एक रबड़ लगी होती है जिसके ऊपर जस्ट पानी होता है। अगर आपकी रोड ज्यादा गंदी हो रही है तो दोस्तों यहाँ से ये जो पेच देख रहे हैं ना, ये पूरा खोल के पूरा भी निकाल सकते हैं आप, इसे पूरा का पूरा सेट भी निकल जाएगा। लेकिन सिर्फ रोड साफ करनी है तो ये निकाल सकते हैं। अगर आपको पूरे की सर्विस करनी है, इसकी फास्ट सर्विस पूरी सर्विस करनी है, तो ये सारे पेज खोलने होंगे। तो हम चलो आपको सारे पेज खोल करके दिखाते हैं, अभी इसका चाबी पान लाते हैं और अभी आपको दिखाते हैं।
तो ये है 10-11 की चाबी, ये 10-11 की चाबी लगेगी, ये फिक्स नहीं है कि इसमें 10-11 की लगेगी, लेकिन मोस्टली यही यूज होती है। फिर भी आपके पास जोन से भी पेच हो उसके हिसाब से लगा सकते हो। इसके पेच जो अंदर यहाँ पेच लगे थे इस SS के होते हैं, यानी कि स्टील के होते हैं, क्योंकि यहाँ पे पानी जाने से गलेंगे भी नहीं। तो चलिए इसे खोल लेते हैं। यहाँ पे इसके अंदर थोड़ा बहुत पानी जरूर हो सकता है दोस्तों, मुझे यकीन है, क्योंकि अभी ये ड्रम खाली नहीं हुआ होगा प्रॉपर। तो सब्सक्राइब करके प्लीज बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। देखिए इस पे आपको मैं एक चीज और दिखा, देखिए इस पे सावधानी भी लिखी हुई है, पावर इसके जो पावर ऑन करने से पहले पानी की सप्लाई सुनिश्चित कर ले, यानी कि सावधानी जरूरी है गाइस। और इसके अंदर पानी अभी भी है, देखिए यहाँ से हमने पूरा रिलीज कर दिया, पाइप अगर हटा दें यहाँ से और इसे कर लेते हैं ओपन, इसके अंदर पानी जरूर मिलेगा क्योंकि अभी ये पूरा प्रॉपर खाली नहीं हुआ है। जब हम इसे पूरा यहाँ से खोलेंगे तो उसके पूरे बोल्ट वगैरह हम खोलेंगे तो आपको दिखाते हैं। तो गाइस अभी देखें इन पर हम टेप लगाएंगे। अब हमें पूरा खोलना पड़ रहा है क्योंकि इसमें हमें पूरी जेट सर्विस करनी है इसकी, बढ़िया तरीके वाली बेहतरीन। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जब हम इसे पूरा खोल रहे हैं थोड़ा बहुत पानी लीक होगा तो थर्मोस्टेट के कनेक्टर में पानी ना जाए, तो इसलिए हमने चौड़े वाली टेप ले ली है। तो हम इसे थर्मोस्टेट थोड़ा सा कवर कर लेंगे, ठीक है, तो उससे होगा क्या, हमारा सेफ्टी हो जाएगी, बाकी कुछ नहीं है, ये देख सकते हो 1x1 कनेक्ट है आपस में। ये पकड़ी सर, तो ये आ चुका है हमारा बाहर, और इसको करेंगे ओपन, इसको तार पर ऐसे लग रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका इसकी अगर सर्विस नहीं करते तो इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, तो प्रेशर थोड़ा सा कम हो जाता है पानी का। उसके बाद क्या होता है, हमारा इसके अंदर बिजली का कंज्यूम यानी कि इलेक्ट्रिक कंज्यूम बहुत ज्यादा होने लगता है, क्योंकि इस पे रोड पे कार सफेद सफेद बहुत सारा जम जाता है। उससे होता क्या है, हमारा पानी कम लेट गर्म होगा, जितनी लेट कम होगा तो दोस्तों यूनिट इतनी ज्यादा आएंगी, सीधी सी बात है। ये देखिए हमने खोल दिया है, तो फाइनली हमें प्रॉपर खोल लेना होगा, चल पानी है, देख सकते हैं यहाँ पर अभी पानी, हमने ये वाला पेट जो थोड़ा रिलीज करा था और काफी गर्म पानी आ रहा है इसके अंदर से, आप देख सकते हैं, आप नहा भी सकते हैं कस्टमर के। खतरनाक पानी है, हाथ फूक रहा है एकदम। खाली कर दिया था लेकिन अभी भी इसके अंदर इतना पानी है, आप सोच सकते कितना इसके अंदर, पूरा 20 लीटर का आ रहा है, 15 लीटर है, देखिए इसमें कैपेसिटी लिख रहा है 15 लीटर, तो 15 लीटर पानी इसके अंदर है। तो गाइस अभी पानी काफी इसका पानी खत्म होने देते, फिर आपको आगे दिखाते हैं। तो गाइस अभी देख सकते हैं यहाँ पर लास्ट पेज रह गया और हम आपको दिखाएंगे अभी इसके अंदर, देखिए गाइस ओह माय गॉड कितनी गंदगी है इसके अंदर, आप देख सकते हैं भाप निकल रही है, ये देखिए ये जामा होता है हमारे इसके अंदर,
ये देखिए रोड काफी गर्म हो रही है, देखिए किस तरह से यहाँ पर गंदगी जमी हुई है इसके अंदर, और आप देख सकते हैं तो इसको बाहर ले चलते हैं और देखिए आपको पूरा दिखाते हैं ठीक से। ये देखिए फ्रेंड ये है जो भी है गंदगी, अभी उसके अंदर भी थोड़ा सा साफ करना होगा हमें। गाइज मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए चारों तरफ से और काफी गर्म हो रहा है गाइज, देखिए किस तरह से गंदा हुआ पड़ा है ये। तो अभी अंदर चलते हैं और आपको अंदर से दिखाते हैं इसका लुक। अंदर पहले पहले उसको ही साफ करेंगे यहाँ पे, इसको मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, देखिए अंदर देख लीजिए गाइज, मतलब कि इसके अंदर भी इतनी गंदगी जमी हुई थी जिस वजह से ब्लॉक हो चुका है। ऐसा भी हो सकता है शायद आपका जो ये वाला पाइप गया हो इसके अंदर से, उसके अंदर भी जम गया हो, ऐसा भी हो सकता है, ये जाम भी हो सकता है। ये तो देखिए ये देखिए हमारा आउटलेट का पानी ये पाइप भी होता है, जब हमारा पानी गर्म होता है देखिए इसके अंदर ये जा चुका है देख सकते हैं। ये देखिए तो उसको भी क्लीन करेंगे, देखिए एक करते ऐसा होता है जब बर्फ से जम जाते, देखिए किस तरह से यहाँ पर जम। अगर ये साफ होता है नॉर्मली तो ठीक है, इस पर वरना तेजाब जो होता है ना लैटिन बाथरूम में तो उससे भी साफ कर सकते हैं इसके। ये देखिए ये फट भी जाते हैं ना, जो फट जाते हैं दोस्तों इसमें हमारा करंट आ जाता है बिजली में, जब नहाने नहाने ना जब आप जहाँ नहाते हो वहाँ पर करंट आने की संभावना रहती है। तो इसे याद है बहुत आराम आराम से करना है, कोई ज़्यादा नुकीली चीज़ से ना करें, साफ हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना मतलब कि मोटी बर्फ जमी हुई है इसके अंदर, ऐसा हो रहा है जैसे बर्फ जम जाती है। देखिए तो ये जो क्या होता है ये जब मोटी परत जम जाती है ना तो हमारी बिजली मतलब ये पानी को तो ज़्यादा गर्म नहीं कर पाता, फिर कर तो देता है लेकिन थोड़ा लेट करता है, उसमें क्या होता है हमारी बिजली का कंज्यूम बहुत ज़्यादा होता है, मतलब जहाँ आपका आधे घंटे में काम होना चाहिए था वहाँ पर आपको दोस्तों कम से कम 45 मिनट लग जाएगी पूरी। तो गाइस अभी इसको हम कर लेते हैं क्लीन पूरा और आपको दिखाते हैं फाइनली क्लीन करके। तो गाइस अभी देख सकते हैं यहाँ पर अभी हम इसको क्लीन कर रहे हैं, वो भी तेजाब से, अभी देख सकते हैं हम इस पर तेजाब डालेंगे और आपको दिखाते हैं, देखिए कितने हार्ड तरीके से जम चुका है, काफी ज्यादा मोटी लेयर जमी हुई है, मतलब बता नहीं सकते यार, मतलब इतनी तो ये खुद ही होगी इतनी मोटी हो। बिल्कुल इतनी जितनी मोटी ये रोड है इतनी मोटी इसके ऊपर परत जम चुकी है। तो इसके ऊपर एक बार हम तेजाब डालेंगे और थोड़ा सा देखते हैं क्या बोलते, थोड़ा ढीला सा हो जाए, इतनी ज्यादा कैडी जम रही है कि बता नहीं सकते फ्रेंड, छुटाना बहुत मुश्किल हो रहा है, थोड़ा कर दें काम करने आए हैं तो भाई करना पड़ेगा, थोड़ा तेजाब डाल लो इस पर तो थोड़ा सही है। आता है लैटिन बाथरूम में जो तेजाब डालते हैं घरों में देखते हैं तो थोड़ा बहुत ही डाल सकते हैं हम हल्का मोड़ा। ये देखिए फ्रेंड इसको गला रहा है ये वाला, ये हो जाएगा, हो गया। तो ये थोड़ा सा ऐसे ढीला सा कर देगा, मतलब आवाज सुन सकते हैं गाइस आप कैसी आवाज आ रही है, थोड़ा सावधान दोस्तों। मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ, जब ज्यादा समय हो जाता है ना इसको लगे लगे अगर आप सर्विस नहीं कराते हैं तो ये हमारे रोड को फाड़ देता है अंदर से, और जब फट जाती है ना तो इसमें करंट आ जाता है हमारे गीजर में, और फिर करते हैं आप कंप्लेंट कि हमारा ये हो गया वो हो गया, बहुत सी बार है दोस्तों इसमें आदमी मर भी जाता है, ये बात है कि अगर आप नहा रहे हो और वहाँ पे सीधा आपके सिर पे कोई करंट छोड़ दे तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, तो उस कंडीशन में दोस्तों मौत भी हो सकती है। तो कहने मतलब ये गाइस आप टाइम टाइम पर 400-500 रुपए के मोना देखे, 400-500 रुपए लेते हैं घर पे सर्विस के, बस इतना रुपए से ज्यादा खर्चा नहीं आता है, तो ये हर साल आपको करवानी चाहिए, जब आप इंजॉय लेना चाहते हैं तो 400-500 रुपए खर्च करने में कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, सावधानी बिल्कुल जरूरी है। तो बिल्कुल टाइम टू टाइम आप सर्विस जरूर कराते रहे, जैसे आप गाड़ी की कराते हैं तो इस तरह से इसकी भी होनी जरूरी है। तो अभी दिखाते हैं आपको फाइनल इसको पूरा क्लीन करके। तो वैसे यहाँ पर अभी हमने जो है इसके अंदर का साफ कर रहे हैं, देखिए पानी से कुछ इस तरह से, देखिए हमने पाइप लगा लिया है और इसको हम क्लीन कर रहे हैं पूरा अंदर से। तो हमने एक जूना ले लिया यहाँ पर जो लोहे का बर्तन साफ करने का ब्रूस होता है, देखिए ये वाला, तो इससे अच्छे से क्लीन कर लेंगे। तो इसके अंदर हम पूरा क्लीन कर रहे हैं इस तरह से कर लेंगे, बस अब फाइनली मैं आपको इसमें दिखाता हूँ, देखिए ज़्यादा कुछ रहा नहीं जो मतलब कि रिपेयर इसमें था, साफ होने के सारा सामान बाहर रख लिया हमने, और जो उसका रोड वगैरह थे देखिए ये रही, ये हमने बिल्कुल अब क्लीन कर लिया, देख सकते हैं आप यहाँ पर बिल्कुल क्लीन हो चुके हैं, बस अब इसमें पानी मार करके इसको पानी साफ करके हम इसको कर देंगे। देखिए यहाँ पर अभी हमने ये भी साफ़ कर लिया है, ये इतना साफ हुआ है, वैसे थोड़ा और हो जाएगा, हम इसको थोड़ा और साफ करके आपको दिखाएंगे जब लगाएंगे कितना साफ हुआ है, और बस अब इसको हम फाइनली लगाएंगे और आपको दिखाते हैं। बस अभी थोड़ा जो है गीज़र के अंदर की सफाई रहेगी जो हम लोहे के ब्रश से साफ़ कर रहे हैं यहाँ पर,
और इसको साफ करने के बाद हम बाद में आपको देते हैं लगा कर। देखिए कितनी गंदगी निकल रही है इसके अंदर से भी, तो आपको दिखाते हैं। और चलिए पूरी वीडियो में बने रहिएगा प्लीज़, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो अभी यहाँ पर पानी के प्रेशर से हम इसको बिल्कुल क्लीन करें, देखिए सफ़ेद पानी निकल रहा है। तो आप भी इसी तरह कर सकते हैं, बहुत ईजी है। अब इसको जब हम लगाएंगे फाइनली पूरा क्लीन करके तब आपको दिखाते हैं। तो गाइस अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा बिल्कुल क्लीन हो चुका है। यहाँ पर ये हमने देखी कितनी गंदगी इस पर जम रही थी, तो हमने सभी क्लीन कर दिया। बहुत मेहनत लगी गाइस, काफ़ी 2-3 घंटे हो गए हमें साफ़ करते वक्त। और अभी इसको हम लगा रहे, देखिए इस तरह से हमने निकाला था ये, वापस से इसको हम ऐसे लगाएंगे और इसके नट वगैरह कस देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से हम इसको लगा रहे हैं, और इसको अभी हम यहाँ पर पूरा फिट करेंगे। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी मेहनत लगती है गाइस ये करने में यार, बहुत मतलब कि आप हम आपको बता नहीं सकते बस कितनी मेहनत लगी है इसमें। कपड़े उतारने पड़ जाते हैं कपड़े उतार उतार करके हमने साफ कराया, क्योंकि पानी में पूरे भीग गए थे हम। और अभी देख सकते हैं यहाँ पर हमने इसको सेट कर रहे हैं, तो अभी पूरा फाइनली हो जाएगा, हम आपको दिखाएंगे पूरा चेक करके। तो देख सकते हैं अभी पूरा हमारा फिट बैठ चुका है, और इसको करेंगे हम आगे लगाएंगे, अंदर आपको लगा करके हम दिखाएंगे। थोड़ी सी लंबी हो जाएगी गाइस वीडियो, तो प्लीज़ स्किप मत करना, पूरी देखना तभी आपकी समझ में आएगी। और यहाँ पर इसको हम पूरा नट को कस लेते हैं, फिर आपको आगे दिखाते हैं। तो गाइस फाइनली हमने यहाँ कस दिया पूरी, आप देख सकते हैं। हमें इतना कस लेना है कि ये मुड़े भी ना और ये रबड़ अच्छे से दब जाए, क्योंकि पानी लीक होने के चांसेस रहते हैं, ये रबड़ इसमें अच्छे से फिक्स हो जानी चाहिए। ठीक है, तो चलते हैं अभी सामान वगैरह उठा लेते हैं और अंदर चलते हैं, आपको पूरा फाइनल दिखा। देखिए पूरा कस चुका है, और इतना कस देना, ज्यादा जोर भी ना लगाएं और ज्यादा ढीला भी ना है, बस इतना लगना है। ठीक है, देखिए कितना अच्छा लग रहा है, सोना सुथरा लग रहा है, परफेक्ट हो चुका है। अब हम चल रहे हैं इसको अंदर दिखाते हैं। तो गाइस यहाँ पर हम देख सकते हैं आप, यहाँ पर हम इसको एक शर्ट की मदद से या कपड़े की मदद से इसको साफ कर रहे हैं। फटी हुई शर्ट ले रखी हमने कस्टमर के यहाँ से ही डाली है, तो इसको हम अच्छे से क्लीन कर लेंगे, ताकि पानी अभी थोड़ा सा यहाँ पर रह रहा है इसमें, तो इसको भी हम अच्छे से क्लीन कर लेंगे एक बार, ताकि पानी ना रहे। देखिए यहाँ पर भी है थोड़ा सा पानी, पानी ना यहाँ पे आया गई, ताकि अब हम क्योंकि फाइनली गाइस सब कनेक्शन करने जा रहे हैं, हमारे हाथ पैर पे पानी ना गिरे, लगता नीचे से कटे तो इसको देखिए इस तरह से हम यहाँ पर वापस लगा रहे हैं। और रबड़ वगैरह ध्यान रहे आपको, रबड़ वगैरह पूरी लगी होनी चाहिए प्रॉपर, ताकि लीकेज ना हो। तो गाइस हम जा रहे हैं इसको फाइनली अब पैक करने, आप देख सकते हैं वापस से हम इसको ऐसे लगाएंगे जैसा था। और पेच वगैरह ये मेरे हाथ में सभी, इसमें देखते रहिए पूरी, आपको पूरी पैक करने की भी हम इसमें दिखा रहे हैं। तो गाइस यहाँ पर अभी देख सकते हैं आप, हमने पेच वगैरह पूरे प्रॉपर कस दिए हैं। अब बारी है इनकी वायर लगाने की, तो वायर देखिए जैसे कि हम पहले इसमें लगे हुए थे, ऐसे कैसे हम वापस इसको लगा देंगे। ध्यान रहे आपको जहाँ पे लगे हुए थे वहीं पे लगाने हैं। देखिए ये सब बल्ब के तार हैं, और वापस से हम इसको वहीं लगा रहे हैं। तो गाइस यहाँ पर अभी हम इसके देखें जो वायर है मैन, तो उसको सप्लाई देते हैं, अब इसको हम कनेक्शन कर रहे हैं यहाँ पर, इसको लगाएंगे हम इसमें। इसके साथ ही अर्थिंग का तार बहुत जरूरी है लगाना, या ये आप पहले लगा सकते हैं यहाँ पे इस तरह से करके, ठीक है। ये लगाना बहुत जरूरी है शॉक प्रूफ बनाने के लिए, आपको करंट नहीं लगेगा।
तो सभी वायर को ध्यान से आपको लगाना है जो जहां पर लगा हुआ था। ये हमारा मेन है जो थर्मोस्टेट से जाकर सीधा हमारे इस पे आ जाएगा, ठीक है। और एक ये डायरेक्ट डायरेक्ट हमारा इधर लग जाएगा, ठीक है। अभी हम यहाँ कस देंगे। थोड़ा सा इसमें हमें दिमाग का यूज करना पड़ता है। आप देखिए ये था डायरेक्ट है हमारा, तो ये हमारा जो डायरेक्ट होता है ना इस पे, तो हम इसे कॉमन मानते हैं, ठीक है जी, कॉमन मानते हैं, यानी कि न्यूट्रल वायर है। तो अब हमारा क्या होगा भाई, हमारा रेड बल्ब और येलो ये ग्रीन बल्ब, तो हमारा होगा क्या, इसके अंदर दो तरह के तार होंगे, मतलब दोनों के एक तार, तो इसके साथ कॉमन वाले के साथ हमें यहाँ इस तरह से करके अटैच करना होगा, यहाँ पे इस तरह से लगा करके, ठीक है, यहाँ पे ये अटैच करना होगा। और ये जो अकेला रहेगा ये है रेड लाइट का ये वाला, क्योंकि ये जिस समय पे यहाँ पे गर्म होगा उस समय पे लिखा रहेगा पावर, और जिस समय पे कट हो जाएगा तो ये आ जाएगा बीच में, ठीक है। तो ये तार आ जाएगा हमारा इधर, बस यहाँ पे अब इनके कनेक्शन कर देंगे, मतलब कनेक्शन हो गया, यहाँ कस देंगे, ये कर दो बार से ले, एक बार से ऊपर लगाएंगे एक बार से नीचे, जिससे कि इसमें स्पार्किंग होगा चिपके ना ये, क्योंकि ये जो होते हैं ये हमारे बढ़िया क्वालिटी के पार्सल होते हैं। जनवोल्ट ने प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा बना रखा है, आप ये चीज़ खरीद भी सकते हैं। इसकी पूरी वीडियो देखना चाहते हैं प्रोडक्ट कैसा है, इसके इलेक्ट्रॉनिक वर्क पर आपको मिल जाएगा, इस पूरी वीडियो मिल जाएगी, आप जाकर के वहाँ देख सकते हैं, वो काफ़ी अच्छा है। वैसे जनवोल्ट ऐसी बात नहीं है, बहुत काफ़ी अच्छा अभी तक हमने यूज़ किया, कोई कंप्लेंट नहीं आई इसमें कि ये दिक्कत है वो दिक्कत है। देखिए रही सर्विस की बात है तो दोस्तों करनी पड़ती है, आप गाड़ी चलाते हो कंपनी ये थोड़ी कहती है कि सर्विस मत कराओ उसे ऐसे चलाओ, सर्विस तो उसकी भी करानी पड़ती है। तो अभी यहाँ पर एक पेज लगा दिया, अभी फाइनल आपको यहाँ लगा करके दिखाते हैं। तो अभी देख सकते हैं यहाँ पर हमने पेज वगैरह पूरे प्रॉपर लगा दिए हैं और ये कैसे जा रहे हैं, अभी यहाँ आप देख सकते हैं, और सभी करेक्शन वगैरह हो गए, बस अभी नीचे की ये वाली जो इसकी व्हाइट कलर की प्लेट सी ये लगानी बाकी रह रही है, और फाइनली ये पूरा हो चुका है। देखिए कनेक्शन वगैरह आप देख लीजिए एक बार किस तरह से, ये वाला तार इधर वाला इसमें जा रहा है, इस वाले से होके उस वाले में जा रहा है, फिर एक बल्ब का इस इधर से इधर का। बस आपको ये चीज़ याद रखनी है, जो ये रेड है ना, मतलब यहाँ पे जो लाइव तार है वो हमेशा थर्मोस्टेट पे होना चाहिए। बिल्कुल, तो अभी यहाँ हो चुका है, जब ये कट कर दे तो इसमें से फेज खत्म होना चाहिए, न्यूट्रल खत्म नहीं होना चाहिए, कहने का मतलब ये है। तो कैसे भी देख सकते हैं यहाँ पर हम इसको अभी एक बार ऑन करके देखेंगे, यहाँ पे कंप्लीट हो गए। अब ये चीज याद रखें, जब आप कनेक्शन कर रहे हो ये तार आपस में मतलब बॉडी में कहीं टच ना हो आसपास, ये देखिए बॉडी से दूर दूर रखने हैं, ठीक है ना। वैसे तो इंसुलेशन लगी होती है इन पे, लेकिन फिर भी बॉडी से अलग अलग रखने हैं, देख सकते हो बॉडी से बिल्कुल अलग अलग है, काफी दूर है ये, यहाँ पर देख सकते हो। तो अब देखिए चेक करते हैं, सिर्फ आपको एक दो सेकंड के लिए चेक करना, आगे छोड़ना क्योंकि इसके अंदर पांच नहीं है। तो ये देखिए, ये देख ग्रीन आ गया, मतलब इसमें ये आगे पावर के लिए जब जल जाएगी, ये देखिए, ठीक है, ये तो अभी ओके है। बस अब हम इसको पूरा फिट कर देंगे लगा करके, और आपको पूरा दिखाते हैं, यहाँ पर देखते रहिएगा।
तो प्रॉपर देखेगा जहाँ पर अभी कस दिया है हमने, और बस एक पाइप रह चुका है यहाँ से लेके यहाँ तक का, वो भी अभी आपको हम लगा करके दिखाएंगे, तो देखेगा पूरी वीडियो को। और काफ़ी अच्छी हमने यहाँ पर इंस्टॉलेशन इसकी कर दिया पूरी जो है, देखिए यहाँ पर इसको लगा देंगे हम। पानी छोड़ देंगे इसके अंदर, अब पानी बनना। अभी आवाज सुन सकते हैं गाइस, तो अभी ये पानी इस टैंक के अंदर फुल भरेगा 15 लीटर पानी, जिसकी इतनी कैपेसिटी है। उसके बाद इसमें आ जाएगा, इस पर साफ साफ लिखा हुआ है इसे चलाने से पहले पानी की सप्लाई सुनिश्चित कर ले, यानी कि इसके अंदर पानी भर जाना चाहिए, सप्लाई यहाँ तक आ जानी चाहिए, उसके बाद इसे चलाएंगे। अब इसमें धीरे धीरे पानी भर जाएगा, इसे चलाएंगे। देखिए ये देखिए ये देखिए गैस बन गई, इधर देखिए बुलबुला आ रहा है, देखिए यहाँ देखिए ये देखिए ये देख सकते हो इसमें आ रहा है, मतलब गैस आ रही है इसके लिए। तो अब यहाँ पे पानी आ जाएगा और अभी आपको दिखा देंगे। तो गाइस जैसे कि अभी हम इसका पूरा फाइनल करने जा रहे हैं, अब देखिए हम इसे प्लग लगा रहे हैं और इसको ऑन करके हम देखेंगे कहीं करंट वगैरह तो नहीं है, वो बिल्कुल प्रॉपर चल रहा है। लीकेज करंट चेक करना है, देखिए कहीं पे भी लीकेज करंट नहीं है बिल्कुल भी। अब हमने हाथ भी लगा रखा है, देखिए तो मतलब हमारे से भी अर्थिंग मिल रही है, लेकिन कोई भी लीकेज करंट नहीं है क्योंकि इसके अंदर प्रॉपर अर्थिंग है। और यहाँ पे चल चुका भी है, थोड़ी देर चल जाएगा, फिलहाल हम इसे बंद कर रहे हैं क्योंकि टैंक को फुल भरने देंगे पहले। तो गाइस अभी फाइनली यहाँ पर हमारा टैंक जो भर चुका है, यहाँ पर हमें सर्विस करने के बाद देखिए कितना इसका प्रेशर बन चुका है, पहले से प्रेशर बिल्कुल भी नहीं दे रही है, प्रेशर पहले बिल्कुल ही ना के बराबर था इसमें। अब देखिए मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए यहाँ से बंद करूंगा और ये बंद हो जाएगा, देखिए बंद हो चुका है, पूरा चल चुका है। तो गाइस पूरी वीडियो आप देखिएगा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, कैसी लगेगा आपको वीडियो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना गाइस, और कमेंट में ये बताना आपको जो हमने इंस्टॉलेशन करी वो कैसी लगी आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए सर्विस हमारी कंप्लीट हो। जय हिंद, वंदे मातरम।